हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर टाइम टू कंप्लीट योर ऑल टास्क। आज का जो टाइम है, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर हमें अपने सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। ज्यादातर लोगों को यही कंप्लेन है कि वो अपने टास्क इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में टाइम की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, टाइम हर एक को उतना ही मिला है। इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं उन्हें 24 घंटे ही मिले हैं एक दिन के। जब इतने सारे लोग अपने टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बहाने छोड़िए और सबसे बड़ी चीज जो है वो है मुद्दा। मुद्दे पे आइए और मुद्दा ये है कि आप जिस टाइम को मैनेज करने के लिए इतने हाथ पैर मार रहे हैं उस टाइम की आपको वैल्यू तो पता हो। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में जिस चीज को मैनेज करने के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू मैं आपको बताती हूं। हम सभी के पास पूरे एक दिन में 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। 86,400 सेकंड्स अगर हम यूं ले लें, हर किसी की एक मंथली इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रही हूं ध्यान से सुनेगा। हर किसी की एक मंथली इनकम होती है। किसी को मंथली 40,000 मिलते हैं, किसी को 30 मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं। एक आम आदमी की जो सैलरी है वो इससे ज्यादा नहीं होती, 40,000-50,000। अगर आपकी महीने की इनकम 40,000 है तो आप एक दिन के 86,400 रुपए तो खर्च नहीं कर सकते ना। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको बस अपने सोचने का ढंग बदलना है। ये जो 86,400 सेकंड्स आपको लगते हैं कि ये टाइम है, एक्चुअल में ये टाइम नहीं है, ये मनी है। आपको ऐसे सोचना है, अगर आप महीने में केवल 40,000 कमाते हैं तो आप दिन के 86,400 रुपए कभी खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जितना है आपको उतने में से ही खर्च करना है। तो फिर आप 86,400 रुपए यानी 86,400 सेकंड्स पर डे के ऐसे ही वेस्ट कैसे कर देंगे? आप अपनी मेहनत की कमाई को जिस तरीके से कहीं भी वेस्ट नहीं होने देते, ऐसे ही आपकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य अगर कुछ है तो वो है समय। आप उसे क्यों डस्टबिन में जाने दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको जानना है टाइम की वैल्यू और उसके बाद आपको सीखना है हाउ टू मैनेज योर टाइम टू कंप्लीट योर टास्क। अब बात आती है टाइम को मैनेज कैसे किया जाए कि आपके सारे टास्क कंप्लीट हो। उसके लिए जैसे कि मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी ये जो फॉर्मूले हैं ये हर एक पे अप्लाई होने के बाद में वही रिजल्ट देते हैं जो उन सभी सक्सेस लोगों को वो ऑलरेडी दे चुके हैं। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमारे जितने भी टास्क हैं, हमारे जितने भी काम हैं, हमारी जितनी भी प्रायोरिटीज हैं, हमें उन्हें एक डायरी में नोट डाउन करना है। हमें डॉक्यूमेंट्री करनी है। सिर्फ आप ऐसा 15 दिन करके देखिए, आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। आपको करना ये है कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रायोरिटीज हैं, आपको वो काम जो एक दिन में आपके होने ही चाहिए, आपको लगता है कि ये मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आपको उन्हें एक डायरी में मेंशन करना है, डायरी में नोट डाउन करना है, नोट बनाना है। और उसको कैसे बनाना है आपको नोट? आपको बनाना ऐसे है कि उसकी कैटेगरी डिवाइड करनी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आप अपने वो काम रखें जिनकी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटीज हैं आपकी लाइफ में वो ही है, तो आप उसे ए कैटेगरी में रखें। ए कैटेगरी का टास्क कंप्लीट होने के बाद में जब आप बी कैटेगरी में जाएंगे जो कि आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। फिर आप अपनी सी कैटेगरी में जो आपने नोट डाउन किए हुए हैं आप उसमें जाएंगे, क्योंकि आपकी थर्ड प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ए कैटेगरी में थी, आपकी सेकंड प्रायोरिटी बी कैटेगरी में थी और आपकी थर्ड प्रायोरिटी सी कैटेगरी में थी। जब आप ये कैटेगरी डिवाइड करके उन्हें फॉलो करना सीख जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कैसे मैनेज होने लगेगा।
और आपके सारे टास्क भी कंप्लीट होने लगेंगे। हर इंसान को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सीखना ही होता है। प्रकृति भी डिसिप्लिन के अधीन है, उसी तरीके से हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है। मनुष्य प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है। उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन है कि वो दुनिया के कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी एक हैबिट बनानी है, जो भी आपके काम है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, आपको उनको डॉक्यूमेंट्री करनी है, आपको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता, यहाँ आपका टास्क शुरू होता है। और टास्क ये होगा कि जो आपने मेंशन किए हैं, कैटेगरी डिवाइड की हैं, उनको ए बी सी जैसे भी आपने उसको रो बनाया है, आपको वो फॉलो करना है। और फॉलो भी बहुत शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से करना है। ऐसा करने से आपके अंदर बहुत बहुत सारे चेंजिंग्स आएंगे। केवल 15 डेज करके देखिए। अगर आपने 15 डेज ये एक रूटीन फॉलो किया, तो 16 डे आते आते आप एक अलग ही इंसान बन चुके होंगे। इस रूटीन को फॉलो करने से आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जब डॉक्यूमेंट्री करना सीख जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। और एक डिसिप्लिन में जो इंसान रहता है, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को कहीं ना कहीं ट्रैक पर लाना या आना या उसको चलना सिखा ही देती है। आपको इतना ही करना है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हम सोचते हैं, हम नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। एक्चुअल में यहाँ भी सोचने का बस तरीका बदलना है। तरीका ये बदलना है कि जो हमारा ब्रेन है, एक्चुअल में वो हमारे अधीन है। हम उसे जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, उसे जैसे चाहे काम ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप ऐसे समझिए कि ये जो ब्रेन है हमारा, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारा शिष्य, और हम हैं इसके गुरु, यानी कि टीचर। एक टीचर जिस तरह से एक छोटे से बच्चे को जब कुछ सिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है। और टीचर अपने स्टूडेंट को डांटता भी है, फटकारता भी है और दुलारता भी है। किसी भी कंडीशन में एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को कच्चा नहीं छोड़ता, उसे कमज़ोर नहीं रहने देता। उसी तरीके से ये काम अब हमारा है। हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ये ब्रेन जो है एक छोटा सा शिष्य है और हम एक मैच्योर गुरु। हमें सब पता होता है कि गलत और सही क्या है, डायरेक्शन हमें दिखानी है उसको। हमें करना क्या है, एक बहुत अच्छा गुरु बनना है अपने ब्रेन के लिए। शुरू के कुछ दिन करके देखिए। आपको एक बहुत अच्छा गुरु बनना है, उसे एक बहुत अच्छा शिष्य बनाना है। एक बहुत अच्छे गुरु को एक बहुत अच्छा शिष्य मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आपके शिष्य को ये पता चल गया आपके डिसिप्लिन की वजह से, आपके सिखाने की वजह से, कि मेरे गुरु के लिए फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या हैं और मेरे गुरु की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे गुरु को सब कुछ दे सकता है, उन्हें लाइफ में कामयाब बना सकता है। जिस दिन आपका शिष्य यानी कि आपका ब्रेन ये समझ गया, फिर आपको कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में फेस करने को मिलेगी ही नहीं। कि हाउ टू मैनेज योर टाइम टू कंप्लीट योर टास्क। दुनिया के सारे टास्क आप कंप्लीट करेंगे अपने उस खूबसूरत से शिष्य को अपना बनाने के बाद। हमें बहुत सारी चीज़ों में मॉरल जो होता है, हमें बताया जाता है इस चीज़ के पीछे ये मॉरल है, इस चीज़ के पीछे ये मॉरल है। इस कहानी के पीछे मॉरल ये है कि गलती हमारी है, हम अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन देते ही नहीं हैं। वो तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ हम उसे धकेल रहे हैं। आज ही से अपने खुद के ब्रेन के गुरु बनिए, करके देखिए। आप एक बेहतरीन गुरु बनिए, वो आपका एक बेहतरीन शिष्य बनेगा और वो भी आपको एक मिलेनियर और बिलेनियर बनने में पूरी हेल्प करेगा। करके आपको जरूर देखना होगा। बस इतना छोटा सा काम करना है। अपने समय को मैनेज करने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री करनी है, अपने सारे काम नोट डाउन करने हैं, अपने काम के अंदर, अपने काम करने के तरीके में आपको प्रोडक्टिविटी को डेवलप करना है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक्सपेंस कितने हैं और आपकी कमाई कितनी है। इन सब चीज़ों से आप सीखेंगे बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं। टाइम को मैनेज करना सीखें, टाइम को यूटिलाइज करना सीखें। ये टाइम ही है जो आपको, जब आप इसे बर्बाद करते हैं तो ये आपको बर्बाद करता है। माइंड इट।
आज का जो हमारा सबसे बड़ा रूटीन है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड हो गई है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करती है। आपको अपने टाइम को बचाने के लिए खुद से एफर्ट डालना होगा। बेकार में अपने टाइम को डस्टबिन में ना डालें, उसे यूटिलाइज करें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो आपके टाइम को वेस्ट करने का सबसे बड़ा साधन है, ये आपको सीखना होगा। अपने काम को पूरी तरीके से मैनेज करें, अपने समय को सही जगह पर दें और फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। दोस्तों, मुझे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर हर जगह फॉलो करें और मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।